ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों से प्रेम विवाह के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि कैसे पता चले कि कोई भी व्यक्ति का जो विवाह होगा वो अपनी पसंद से होगा या अरेंज मैरिज होगी, इसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। इसके लिए देखिए, सबसे पहले जब आप हॉरोस्कोप खोलते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो वहां पे सबसे पहले आप देखिए कि लग्न कौन सा है, लग्न की स्थिति चेक कर लीजिए। फिर आप देखिए कि चंद्रमा जो है वो किस राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन होता है और प्रेम जो होता है वो हमेशा मन से ही होता है। तो अगर चंद्रमा आपका हॉरोस्कोप में कहीं पे भी जाकर स्थिर राशि में बैठ जाए, स्थिर राशि का मतलब है कि जो भी हमारी पृथ्वी तत्व राशि है, अर्धी साइंस है, वृषभ है, कन्या है और मकर राशि है, और साथ ही साथ आप ये भी सूर्य की जो राशि है सिंह, तो सिंह में भी चंद्रमा बैठता है, तो ये चंद्रमा की एक मजबूत स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो आत्मा कारक जो ग्रह है, आत्मा को लेकर चलने वाला प्लेनेट सूर्य है, तो सूर्य की राशि में आके चंद्रमा बैठ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा जो है आत्मा के साथ में, मन जो है आत्मा वाली जगह पे जाके बैठ गया है, स्थित हो गया है। तो इस तरह का जो व्यक्ति होगा तो वो कोई भी लाइफ में जब डिसीजन लेगा प्रेम को लेकर के या मैरिज को लेकर के, तो अधिक संभावना बनेगी कि वो व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करेगा तो उसी से विवाह करना की ओर भी वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने लग्न देखा और चंद्रमा की स्थिति देखिए कि चंद्रमा जो है वो एक तो जाकर के वो स्थिर राशि में बैठ जाए। तो स्थिर राशि का मतलब ये होता है कि चंद्रमा जब अर्धी साइन में जाके बैठता है तो ऐसा व्यक्ति मन से बड़ा दृढ़ होता है, बहुत पक्का होता है, वो उसके जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ही फर्म होते हैं। तो अगर वो एक बार वो कोई कुछ भी अगर वो डिसाइड कर लेता है मैरिज को लेकर के या प्रेम को लेकर के इसी व्यक्ति से विवाह करना है, तो फिर वो उसको पूरा प्रयास करता है मैरिज करने का। तो सबसे पहले आपने चंद्रमा को चेक कर लिया, उसके बाद आप देखिए जो प्रेम का भाव है पांचवा भाव, पंचम भाव, और जो विवाह का भाव है सातवा भाव, सेवेंथ हाउस जो है, तो इन दोनों भावों के ऊपर आप देखिए कि पांचवा जो भाव है तो पांचवें भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है, पहली चीज, और वहां का जो राशि लॉर्ड है वो कहाँ जाके प्लेस्ड है। इसी तरीके से जो सातवां भाव है वहां पे कौन सी राशि बैठी है और उसका जो राशि लॉर्ड है वो कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। तो अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड एक दूसरे की राशियों में जाके बैठ जाए या अपनी राशि को एक्सचेंज कर लें, जो पांचवा भाव है पांचवें का मालिक जाके सातवें में बैठ जाए या सातवें का मालिक आकर के पांचवें में बैठ जाए, तो एकदम ये क्लियर दिखाता है कि ऐसा जातक अपनी पसंद से विवाह करेगा। और इसी के साथ ये भी संभावना हो सकती है कि पांचवें भाव का जो राशि लॉर्ड है वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है और सातवें भाव का जो राशि लॉर्ड है वो जिस नक्षत्र में बैठा है, तो ये दोनों नक्षत्र लेवल पर एक्सचेंज कर लें, तब भी संभावना बनेगी कि ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करेगा, प्रेम विवाह की ओर जाने के योग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज और देखनी चाहिए कि अगर पंचमेश और सप्तमेश ये दोनों एक साथ जाकर के कहीं शुभ स्थान में बैठ जाए, तो ये भी क्लियर दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति का जो विवाह है वो उसकी पसंद से हो सकता है, प्रेम विवाह उसके होने के योग बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने मेन जो तीन पॉइंट्स है उनको समझा कि लग्नेश को देखिए, क्योंकि लग्नेश वो व्यक्ति खुद होता है, तो जब कोई लग्न किसी की मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें एक स्थिरता होगी, वो किसी दूसरे के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। और फिर चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए कि चंद्रमा स्थिर राशि में जाके बैठा है, तो जो वो सोचेगा वही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे प्रेम किया और बीच रास्ते में उसने छोड़ दिया या किसी के कहने से उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। तो इसलिए लग्नेश की स्थिति को और चंद्रमा की स्थिति को और साथ ही साथ आप पंचम का जो स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति और सप्तमेश की स्थिति को देखिए, और साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर इन दोनों भावों में ही शुभ ग्रह बैठे होंगे तो ये
और स्ट्रॉन्ग बना देंगे इस कॉम्बिनेशन को। इसी के साथ साथ कुछ योग और भी होते हैं, जैसे कि लग्न का जो लॉर्ड है वो अगर आके पंचम भाव में बैठ जाए, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लग्न जो व्यक्ति खुद है वही प्रेम के भाव में जाके बैठ गया। और सप्तम का लॉर्ड किसी ऐसी जगह पे जाके प्लेस्ड हो जाए जहां से वो अपनी किसी भी दृष्टि के थ्रू पांचवें भाव को देख ले। पांचवें भाव को देखने का मतलब कि वो लग्नेश को देख ले, मतलब लग्नेश जो है वो फिफ्थ हाउस में आके बैठ गया प्रेम वाले भाव में। और सप्तमेश जो विवाह का भाव है उसका जो लॉर्ड है वो किसी ऐसी प्लेस पे जाके बैठ गया जहां से वो अपनी दृष्टि डाल करके लग्नेश को देख रहा है। तो लग्नेश का मतलब हुआ कि व्यक्ति खुद, और सप्तमेश का मतलब हुआ जो उसका लाइफ पार्टनर है। तो जब इन दोनों का आपस में सहयोग बनेगा तो ये भी प्रेम विवाह का एक प्रबल संकेत होता है। इसी के साथ साथ एक चीज आप और भी देख सकते हैं कि अगर कहीं पे सप्तमेश प्लेस्ड हो, सप्तम का लॉर्ड किसी अच्छे भाव में शुभ भाव में जाके बैठा हो और पंचम का लॉर्ड उसको देखे दृष्टि के थ्रू, तो ये भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा प्रेम विवाह के लिए। उसी के साथ में अगर सप्तम का लॉर्ड कहीं बैठा हुआ है और लग्न का लॉर्ड उसको देखे, तो ये भी एक संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपना जीवन साथी खुद से पसंद कर सकता है। तो इस तरीके से प्रेम विवाह के बहुत कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इस तरीके से आपको मैंने आज बताए हैं। और इसी के साथ साथ आपको नौमांशा कुंडली भी जरूर चेक करनी चाहिए, वो इसलिए कि लग्न कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उनके कंफर्मेशन के लिए, कि जैसे जैसे लग्न कुंडली में चीजें दिख रही हैं तो क्या नौमांशा भी उनको प्रूव कर रही है। अगर नौमांशा में भी चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, इसकी राशि में जाके बैठ जाए, शुभ भाव में बैठ जाए, तो ये 100% दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन लेगा उसको फाइनली वो मैरिज को लेके ही जाएगा। और ये तो केवल ये दिखा रहा है कि आप प्रेम विवाह की ओर जा सकते हैं, लेकिन आपका विवाह कैसा होगा, विवाह में आपको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, सफलता असफलता क्या मिलेगी, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। उसके लिए फिर और दूसरी चीजें देखनी पड़ती हैं। विवाह कर लेना अपनी पसंद से एक अलग चीज होता है, और विवाह सक्सेसफुल रहेगा या नहीं उसके लिए फिर सातवें भाव का रोल आ जाता है, कि सातवां भाव की क्या स्थिति है, उसका लॉर्ड किस तरह से है, उसके ऊपर कौन से शुभ या अशुभ ग्रहों का योग बन रहा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इस छोटे से टॉपिक से समझ में आया होगा कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में विवाह जैसी चीज के लिए खुद निर्णय करता है। और उसी जगह बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने प्रेम तो कर लेते हैं लेकिन वो विवाह का निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो वो विवाह का निर्णय क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे यही वजहें होती हैं कि या तो उनका जो लग्नेश है वो उतना मजबूत स्थिति में नहीं होगा, सप्तमेश उतना मजबूत स्थिति में नहीं होगा, या सप्तमेश जो है पंचमेश के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ना बना पा रहा हो, या चंद्रमा उनका चर राशि में होगा, चंद्रमा उनका एक मेष में होगा, कर्क में होगा, तुला में या मकर में होगा। तो ये राशियां क्या है कि ये चर राशियां हैं, तो ऐसे लोग कोई चीज को एक बार डिसीजन लेते हैं और किसी के कहने से अपने निर्णय को बदल भी सकते हैं। चर मतलब कि मूवेबल साइन में चला गया, तो मन भी है, इसी तरीके से मन बदल जाएगा। मन ने आज ये डिसीजन लिया कि मैरिज करनी है, कल उसको दूसरे के प्रभाव में आ जाएगा कि नहीं करनी, तो फिर नहीं की ओर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से चंद्रमा का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है मैरिज के लिए और विवाह के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और प्लीज करके रखिए बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए किसी नए टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगी। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी लिंक में नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस पर जाके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।